hello guys students welcome to apala online pathshala so this is the part second video of chapter first resource here are some practice question with solution you have to understand it and do it in your fair notebook okay first one we are going to discuss some mcqs there are some question and four options are available in it you have to choose only one option which is correct so first one is dash is a renewable resource of energy water coal

करेक्ट ऑप्शन इज ऑयल नॉन रिन्यूएबल ऐसी चीज जो कि वापस से यूज वापस से रिन्यू ना की जाए सोलर एनर्जी हमें पता है सन uh, से मिल जाती है मिथेन गैस यू वापस रिन्यू हो सकती है वुड रिन्यू हो सकता है बाय फॉरेस्ट बट ऑयल कांट बी रिन्यूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेंट मेक सबस्टेन्सार रेसोर्स

Natural resources are used in dash form modified unmodified not used at all in both form as natural resources are used in modified or unmodified form both so the correct option is in both forms वॉट डज अयूमन बींग यूज टू मेक सब्सटेन्सर रिसोर्स ह्यूमन बींग इनमें से कौन सी चीज यूज करता है सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने के लिए ऑप्शन आर टेक्नोलॉजी नेचर कल्चर और ग्रेविटी वी वी नो वेरी वेल दैट मशीन्स और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आर यूज बाई ह्यूमन बींग टू मेक सबस्टेंसर रिसोर्स लास्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज First one is economically feasible. Second one is technologically accessible, uh, culturally acceptable, and fourth one is all of the above. So the correct option is all of the above. Answer the following question briefly. First one is what is sustainable development? Sustainable development is development that meets the need of present without comprising the need. फ्यूचर जनरेशन टू मीट देअर ऑन नीड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें हमारी प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें ओके okay. सेकेंड वन इज वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इन टू मोर यूजफुल फॉर्म बाय देर नॉलेज स्किल एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को मतलब अच्छे से इस्तेमाल करने के फॉर्म में लेके आते हैं क्या यूज करके अपनी नॉलेज यूज करके स्किल यूज करके और टेक्नोलॉजी यूज करके विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज द नेचुरल रिसोर्सेज कांट बी मॉडिफाइड एक्सप्लेन द concept ऑफ रिसोर्स प्लानिंग मोस्ट important क्वेश्चन रिसोर्स प्लानिंग इज अ स्किल ऑफ प्रॉपर एंड judicious यूज ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्स प्लानिंग उस स्किल को कहते हैं जिसमें हम रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे environment के लिए क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं और unevenly डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।

इअ वी गॉट फ्रॉम एटमोस्फेयर सॉइल लिथोस्फेयर सनलाइट एंड मिनरल्स बायोटिक रिसोर्सेज रिसोर्सेज विच आर ओपटेन फ्रॉम द बायोस्फेयर एंड आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन वो रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फेयर प्रोवाइड करवाता है और वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हों फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स बर्ड्स प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स वी कैन काउंट द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो what are the major problem caused by overutilization of resources if we do overutilization of resources what major problem we have to face so the problems will be global warming pollution depletion of ozone layer etc so thank you students for watching this video and uh, hope so that you um, will understand this and do it in your fair notebook